हे गाइस नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं, देखिए अक्सर आपने एक कॉन्फ्लिक्ट देखा होगा कि एक फौजी बड़ा होता है या एक पुलिस वाले बड़े होते हैं। यहाँ मैं फौजी जो कहूँगा इस वीडियो में, तो जो जल थल और वायु जो तीनों सेना होती है हमारी, यानी जो आर्मी और एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों को मैं फौजी यहाँ पर एक ही वर्ड लेके कहूँगा कि ये फौजी बड़े होते हैं या पुलिस वाले बड़े होते हैं। देखिए मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया है और मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने पुलिस विभाग को ज्वाइन किया है, तो उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट सा होता है कि एक आर्मी बड़ी होती है या एक पुलिस बड़े होते हैं। और एक दूसरा सवाल ये भी होता है कि जो फौजी हैं वो बोलते हैं कि आप हमें गिरफ्तार ही नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये बात कही तो, लेकिन जब ये आर्ग्यूमेंट हो गया तो उन्होंने कहा कि भाई इस पे चलो थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं। तो जब मैं इसमें थोड़ा डीप गया और मैंने इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करी कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, तो उस तीन चीज़ों को मैं आज आपके सामने भी शेयर करना चाहता हूँ, ताकि हो सकता है आपके भी कुछ ऐसे दोस्त हों जो इस पे आर्ग्यूमेंट करते हों, तो आपको भी थोड़ा सा इसमें कुछ नॉलेज इसमें मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इन दोनों में कौन बड़ा होता है। तो देखिए जो फौज होती है उनको वो सेंट्रल के अंदर आती है और जो पुलिस होती है वो आती है स्टेट के अंदर। तो इसमें बड़ा और छोटे की हम बात करेंगे तो कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, दोनों ही एक यूनिफॉर्म हैं, दोनों ही देश के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें मैं बड़ा और छोटा तो किसी को नहीं कहूँगा, दोनों ही देश के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरी नज़रों में तो वो दोनों एक ही हैं, मतलब एक ही कैटेगरी पे हैं। अब दूसरी बात आती है कि भाई पुलिस वाले होते हैं करप्ट, ऐसा कहा जाता है, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ ये बात कि करप्ट होते ही हैं। देखिए दो हर लोगों में हर तरह के इंसान होते हैं, कुछ करप्ट भी होते हैं कुछ सही भी होते हैं, बट जो आम तौर पे जो विश्लेषण निकल के आता है कि पुलिस वालों को बोला जाता है करप्ट और जो फौजी होते हैं उनको देश सेवा यानी देश प्रेमी बोला जाता है या वो बहुत अच्छे होते हैं देश के लिए, इस तरह से एक इमेज बनी होती है। तो देखिए इसमें मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा यहाँ पर कि आज के टाइम में ईमानदार सिर्फ वो है जिसको मौका नहीं मिला। अब जो आर्मी होती है वो पब्लिक से डायरेक्ट डील नहीं करती है, तो उनको शायद मौका नहीं मिला, और जो पुलिस वाले होते हैं वो पब्लिक से डायरेक्ट डील नहीं करते इसलिए उन्हें डायरेक्ट डील करते हैं सॉरी, तो इसलिए उनको कई बार मौका मिल जाता है। अदरवाइज़ आप ही देखिए जब एक आप आर्मी के लिए तैयारी करते हैं या एक पुलिस के लिए तैयारी करते हैं, तो दोनों उस समय पर जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होता तो आप दोनों एक ही होते हैं भाई, एक ही घर से निकलते हैं, एक ही तरह का आटा खाते हैं आप, तो ऐसा कुछ इसमें अलग नहीं है। रही बात ये कि जो अच्छे लोग हैं फौज में भी या पुलिस में भी, वो दोनों अभी भी अच्छे हैं और आगे भी अच्छे ही रहेंगे, तो यहाँ पे ये बात आ गई है। तो आई होप ये दो बातें हमारी क्लियर हो गई है। तीसरी बात आती है कि भाई जब जो मेरा दोस्त है उसने कहा कि भाई जो फौजी होते हैं उनको एक आम पुलिस वाला गिरफ़्तार नहीं कर सकता, तो इस पर हम थोड़ा सा सोच लेते हैं कि क्या ऐसा होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है। तो जब मैं इस पर थोड़ा डीप गया तो इसमें मैंने पाया कि बिल्कुल एक पुलिस वाला जो होता है वो फौजी को अरेस्ट कर सकता है, गिरफ़्तार कर सकता है, बट उसकी तीन ही कंडीशन होती है जो इंस्टेंट गिरफ़्तार कर लेता है। वो पहली कंडीशन है या तो उसने कोई मर्डर कर दिया हो, या दूसरी कंडीशन होती है या कोई रेप कर दिया हो, तीसरी कंडीशन होती है कि कोई सदोष मानव वध कर दिया हो, तो उसे बिना किसी वारंट के उसे गिरफ्तारी उसकी की जा सकती है बिना किसी परमिशन को लिए। बट अब होती है कि इसके अलावा एक कंडीशन हो रही है कि अगर उसने ये सारे जो ऑफेंस किए हैं ये किसी सिविलियन के साथ किए हैं, यानी किसी फौजी फौजी आपस में नहीं भिड़े हैं, किसी सिविलियन के साथ ऐसा किया है तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अगर ये फौजी फौजी आपस में भिड़ते तो इनका कोर्ट होता है अलग, जो आपने सुना होगा कि इनका कोर्ट मार्शल हो जाता है, इनका ट्रिब्यूनल अलग होता है, तो वो वहाँ पर उनका मुकदमा चलता है, राइट। तो अगर इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो इसके लिए हमारे जो CRPC है उसका जो सेक्शन 45(1) है उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी जो सशस्त्र बल होते हैं उनको बिना परमिशन के यानी बिना सेंट्रल के परमिशन के इनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। तो दोनों ही बात आपको समझ में आ गई, अगर इन्होंने कोई हीनियस क्राइम किया है जैसे मर्डर किया है, रेप किया है, या फिर कल्पेबल होमोसाइड इन्होंने कुछ ऐसा किया है, तो इनको अरेस्ट किया जा सकता है। और इसके बारे में इन्हीं के कुछ जो इनके एक्ट होते हैं ना अलग अलग, जैसे आर्मी का एक्ट होता है, जो आर्मी एक्ट बना था 1950 में, उसका सेक्शन 70 ये बोलता है जो मैंने आपको सेम कहा है, और एयरफोर्स एक्ट जो 1950 में बना था उसका भी सेक्शन 72 यही बोलता है, और जो कोस्ट गार्ड होता है, कोस्ट गार्ड एक्ट जो 1978 में बना था उसका सेक्शन 5, ये सिमिलर बातें ही बोलते हैं, आप चाहें तो इसे मैच कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर कोई फौजी इन तीनों के अलावा कोई दूसरा कोई अपराध कर देता है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या जो संज्ञेय अपराध है, वो कोई अपराध कर देता है तो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार जरूर कर सकती है बट उसे उसकी फौज को सौंप देगी। इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है जो सेक्शन 104 आर्मी एक्ट, सेक्शन 105 एयरफोर्स एक्ट और सेक्शन 61 कोस्ट गार्ड एक्ट, ठीक है। तो अब
इसमें दूसरा हमने दो बातें क्लियर कर ली हैं, एक वो कि अगर हीनियस कोई क्राइम करता है तो उसे तुरंत ऑन द स्पॉट कर लेगी, अगर कोई दूसरा कोग्निजेबल ऑफेंस करती है तो उसे पकड़ेगी जरूर, लेकिन उसे उसके कमांडिंग ऑफिसर यानी फौज को उसको सुपर्द कर देगी। तीसरा होता है कि जो न्यायालय होता है हमारी, जो कोर्ट होती है, उसके जो मजिस्ट्रेट होते हैं, क्या वो उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं? तो देखिए, वो भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। वो क्या करेंगे कि जो मामला पेंडिंग है उसकी पूरा एक चिट्ठा बनाएंगे और उसको बनाने के बाद उसकी फौज को भेज देंगे, राइट। इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जो सीआरपीसी है उसका 197 का सब क्लोज 2 में ये पूरी तरह से मेंशन है कि अगर कोर्ट भी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी, उनको उनका जो पूरा चिट्ठा होगा वो जो फौज का जो अलग कोर्ट होता है उसमें भेज दिया जाएगा और उनका जो मुकदमा होता है वो वहाँ पे चलेगा। इसके बारे में एक सीआरपीसी का जो एक्सप्लेनेशन है वो इसमें भी दिया गया है कि 475(1) में इसमें लिखा है कि सेना के किसी भी अगर किसी भी कांस्टेबल या किसी भी फौजी को अगर ऐसा होता है, उसके कुछ भी ऐसा होता है, तो उसके जो यूनिट होता है उसका जो कमांडिंग ऑफिसर है उसको इत्तला दी जाएगी, उससे परमिशन, पहले सेंट्रल से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद उसका जो कमांडिंग ऑफिसर है जब वहाँ से पास हो जाएगा उसके कमांडिंग ऑफिसर को चीज़ें भेजी जाएंगी और वही उसमें कोई ना कोई डिसीजन लेगा, राइट। आई होप आप ये सब चीज़ें समझ गए होंगे कि एक फौजी बड़ा होता है या एक पुलिसमैन बड़ा होता है, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। और देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो अच्छे हैं अपने अपने विभाग में, जो लोग अच्छे हैं उनका हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए और जो लोग गलत हैं उनका हमेशा कंप्लेंट जरूर करनी चाहिए ताकि उन लोगों में सुधार आ सके। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, टिल देन बाय। आपका कोई सवाल है हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। टिल देन बाय।